अब मुझे इंतजार है इवान कब इस रिंग में जाएंगे, लेकिन जल्दी जाएगा जहां तक मैं अपनी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, आज सुबह सुबह मैं आपको गार्डन से गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, डायरेक्टली घर से नहीं, क्योंकि चाय नाश्ता सब हो गया। हम लोग प्लान करके कहीं जाना है आज, कुछ ऐसे घूमने तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनका ऑफिस है बाद में सेकेंड हाफ में, तो इनको निकलना ही था। सो ऐसे ही, लेकिन मम्मी आ गई थी युवान को लेके नीचे, उसको सुबह सुबह जाना था क्लब हाउस में कि स्विमिंग, तो स्विमिंग को तो हमने कहा नहीं भाई जाओ क्लब हाउस जाओ, लेकिन अपनी पानी की बॉटल भूल गया, तो मैं आई हूँ उसको बॉटल देने। अब आई हूँ तो एक राउंड भी मार लूँगी, है कि नहीं, चांस पर डांस। तो चलिए मिलते हैं मम्मी और युवान से इन द क्लब हाउस। सैटरडे है तो बच्चे 10 बजे ही स्विमिंग पूल में पहुँच चुके हैं, तो युवान भी यही देख के बोल रहा होगा, लेकिन मैंने नहीं भेजा उसको, थोड़ी सी सर्दी ऐसी लग रही थी इस वजह से। तो मुझे क्लब हाउस में बुला के मम्मी गायब हो गई हैं और उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। आप देखिए भैया ये कहाँ घूम रही है। एक तो नेटवर्क इश्यूज भी बहुत हो जाते हैं आंधी तूफान में ना। चलिए भाई, कहाँ घूम रही हैं इनको देखो। मैं अभी यहीं से ही गई, ये दोनों दादी पोता यहाँ बैठ के देखिए क्या कर रहे हैं, चुपके से खेल रही थी, मैं यहीं से गई, इनको देखी भी नहीं, खैर मैं भी नहीं इनको देखी, तो मैं ये मुझे कहाँ से देखेंगे। बच्चों के साथ में ना इंसान बच्चा बन जाता है। चलिए, हाय चिकू, इतना आलसी कमजोर बन जाता है ना, बॉल वहां फेंका, इतनी देर से हम लोग कह रहे थे लेके आ, नहीं आ रहा, अब जाके लेके आया। कामिया सी, देयर इज नो एयर इन दैट बॉल बेटा, उसको भरना है, इसमें उड़ ही नहीं रहा और इतनी हवा चल रही कि सब ऐसे ही उड़ जा रहा है। बाबू ये टी शर्ट इन किसने किया आपका आज? ये तो रश्मि आंटी की याद आ रही है। आज सुबह गुड मॉर्निंग के बाद में कुछ शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब सा हेडेक हो रहा था मुझे, जैसे वो नहीं जैसे पीछे के साइड पे अब सर्दी जैसा था, उस वजह से हो रहा था कि क्या पता नहीं, युवान को ही खेल खिला के मैं ऊपर आए नाश्ता से किए, फिर मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त हो रहा, मैं दवा खा के सो गई थी। फिर 3 बजे उठी, अभी बज रहे 4 और अभी हम जा रहे थे, एक्चुअली मैंने जैसे बताया था कहीं जाना था स्केट्स का, युवान का देखना था हमको, तो एक जगह पर जाना है जहाँ पर स्केटिंग स्केट्स भी ले लेंगे, वहीं पर क्लासेस भी थे, इंक्वायरी वगैरह हमने की 2-3 जगह सुबह से, ये वाला सही लगा था, बिल्डिंग में 2-3 जन जाते भी हैं। सो अभी भी मुझे पूरी तरह से सही नहीं हो रहा, मतलब लेकिन एटलीस्ट बेरेबल है, तो वो थोड़ा टाइम जाएगा, मुझे लग रहा है साइनस का है, आई गेस स्टीम वगैरह लेना पड़ेगा, तो ठीक है। थोड़ा बहुत आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ा जाऊंगी कुछ खा लूँगी चटर पटर बाहर, तो ठीक हो जाऊँगी शायद से। तो अब हम जा रहे हैं युवान को लेके स्केट्स कराने, स्केटिंग क्लासेस बोल सकते हैं, आज शायद क्लासेस ना स्टार्ट करें, वी जस्ट बाय ऑल दी एक्सेसरीज और जो भी था, एंड एक बार युवान को फेमिलियर करा दें कि भाई तुमको यहाँ से जाना है, वो ज़्यादा था बिकॉज सुबह से वो कह रहा है कि मुझे स्केट्स खुद से ही करना है, मुझे टीचर से नहीं करना है, अब वो यहाँ बच्चों को देखता कर रहे हैं तो इस वजह से, तो आई थिंक पहले उसको माहौल में सेट होने दो कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो बस वही कराने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ युवान की एक नए जर्नी पे। चलिए, मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, थोड़ी सी मुँह से नहीं दिख रही होगी लेकिन अंदर से बहुत एक्साइटमेंट है, तो चलिए चलते हैं। आ गए, आप ये देख सकते हैं ये पूरा सिर्फ स्केटिंग के लिए ही डेडिकेट किया हुआ है पूरा प्रॉपर गार्डन, जो कि बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, देखते हैं इंक्वायरी करते हैं हम लोग, और युवान को भी अच्छा लगा। ये महावीर नगर में ही है ये प्रॉपर, ये गार्डन को उन्होंने पूरा स्केटिंग है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल तक इतने बच्चों को भेजते हैं। सो देखते हैं, मैं चिक्कू को सीखना है। युवान, डू यू लाइक दिस प्लेस? डू यू वॉन्ट टू लर्न स्केटिंग नाउ फ्रॉम टीचर? यस। ए पापा, ये भी देखिए यहाँ पे स्केटिंग है, बॉक्सिंग भी है और बास्केटबॉल का भी है, वहाँ पे ऐसे टर्फ बना है पीछे आप देख सकते हैं सब, और रिंग बॉक्सिंग की रिंग भी है, तो चलिए अच्छा है ये सब चीज़ें, तो अभी धीरे धीरे डिस्कवर मैं अभी कर रही हूँ युवान के साथ में, जब उसको सीखना है, एंड इट्स अ नाइस चलते इन लोग एडवांस लेवल के स्केटिंग है यहाँ पे, अभी युवान पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिगनर। अभी शशांक गए ऑफिस में सब इंक्वायरी करने और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं ना युवान, आपको मज़ा आ रही है युवान, आप लर्न करोगे स्केटिंग, सी दिस इज ऑफ योर एज बॉय, he's doing so well, not yet in what, no because they are now they know how to do it now, yeah? When you will also learn you will also know, wait, wait, people like this keeps, yeah, so you will also wear later on, first we'll do people like this keeps,
सो बिकॉज दे आर नाउ वन लेवल अप बेबू, यू विल बी डूइंग बिगिनिंग वाला एंड दे आर एडवांस लेवल. डू यू वॉन्ट टू डू स्केटिंग यू वॉन्ट नाउ ओवर हियर विद द टीचर्स? गिव मी हाई फाइव नाउ. बदमाश बच्चा है मेरा, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है तो करेंगे. चलिए, थोड़ा गर्मी बहुत लग रही है लेकिन भाई साहब, बिकॉज बारिश हल्की हल्की हो गई है और उमस बहुत बढ़ रही है, तो यहाँ आके ना एकदम वैसा वो एकेडमी टाइप वाली वाइब्स आ रही है कि नहीं? आपको भी आ रही होगी. अच्छा लग रहा है, देखिए तो अच्छा लग रहा है. और ये कुछ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ही है तो अच्छा है फिर, मतलब हम जब सिखा ही रहे हो तो. और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 1500 मंथली है एंड किट वगैरह का जो अलग से है, जैसा आपको चाहिए, जिस क्वालिटी का आपको चाहिए. तो चलो, युवान सिंह की शुरुआत आज से शायद नहीं हो पाई बिकॉज हमने शूज़ नहीं पहनाए. वो बिगनिंग जो स्केट्स है उसमें शूज़ नहीं है सर, एकदम नॉर्मल हो जो बांधने वाले शूज़. सो आई थिंक आज नहीं स्टार्ट कर पाएंगे हम लोग, मंडे आएंगे पक्का इसको लेके. कैफेटेरिया, यहाँ पे आपको टी कॉफी कुछ छुटपुट नाश्ता भी मिल जा रहा है. युवान की एक्साइटमेंट लेवल बहुत अलग हो गई भाई. ये गेट ओपन है युवान, आप इधर आओ नहीं तो आप अंदर ही चले जाओगे. ये कितना अच्छे से बनाया है, एकदम क्लीन और इतना अच्छा लग रहा है ये देखने में ही बहुत. चलो युवान, लेट्स सिट हियर एंड सी, कम. ऐसे साइड में सब चेयर्स है, पेरेंट्स बैठ के. दो घंटा जब युवान यहाँ बैठेंगे तो हमको भी बैठना ही पड़ेगा इनके साथ, है ना युवान? सो अब मेरी ड्यूटी भी लग जाएगी युवान का. मैं भी सीख लूँ क्या है बाबू आपके साथ स्केट्स? नहीं. तो मम्मा भी सीखेगी ना, मम्मा यहाँ बैठ रही है. अच्छा, हम स्केटिंग सीखेंगे, स्विमिंग सीख सकते हैं साथ में, लेकिन स्विमिंग भी अभी हमको करानी थी. बट नो, बट देन दे विल ब्रिंग माई साइज स्केट्स ना. बट इनकी बातें देखें, बट जहाँ हमने इंक्वायर किया सब 6 years प्लस है, एक ही है 3 years प्लस, बट वो बहुत दूर है तो वो देखते हैं शायद. फिलहाल तो स्विमिंग हॉल्ट पे है, स्केटिंग से स्टार्ट करते हैं आज. तो यहाँ जैसे इंक्वायरी वगैरह हो गई, अब शूज़ लेने हैं, स्केट्स लेने हैं. स्केट्स तो इनसे मिल जाएंगे बाद में, बट शूज़ ख़रीदना पहले कॉन्वर्स इसके लिए. और बारिश में शायद से यहाँ नहीं होगा बिकॉज ये ओपन है, तो कहीं और ये लोगों ने कोई स्कूल में किए हैं गवर्नमेंट स्कूल का बंदोबस्त, तो वहाँ जाना है. और उसके पहले कुछ खा लेते, अभी आए हैं तो महावीर नगर इज़ फेमस खाऊ गली, तो हम कुछ खा के ज़रूर जाएंगे. स्केटिंग का तो पता नहीं, खेलना तो ज़रूरी है भाई. ईरा का बुलावा आ गया है तो युवान और मम्मा आ गए हैं नीचे, है ना? चलिए, ईरा होगी यहीं कहीं, देखते हैं हम लोग ईरा कहाँ है भाई. अब तक तो आप लोग भी जान गए होंगे कौन है ईरा, युवान की बेस्ट फ्रेंड. तो भाई ऐसा ही था आज का दिन, ज़्यादा कुछ तो नहीं. अभी आज भी हम बस यही एक्सप्लोर किए कि भाई युवान को स्केटिंग कहाँ कराएं, अभी यहाँ कराएं कि बाहर जहाँ पे एकेडमी जो लुकी हुई थी. सो घर पे आके हमने डिस्कस भी किया, तो उसी से ये हुआ कि भाई बारिश में जैसे उन्होंने कभी और 10 दिन जाने ही हैं, फिर वो आधा ही होगा बिगिनर्स का वहाँ पे, वो ऐसे कराएंगे. तो अच्छा, हमने कहा चलो बिल्डिंग में भी हमारे स्केटिंग होते हैं तो हम वहीं करा लेते हैं एटलीस्ट बिगिनिंग का जो लेवल, फिर उससे पता भी चलेगा युवान को इंटरेस्ट है कि नहीं. क्योंकि वहाँ जाके तो उसने बोल दिया कि हाँ हाँ मैं करूँगा, बट वो 2 घंटे उतना करना बेचारे वो बच्चों को तो देख के बहुत पसीने से, जैसे थोड़ा बहुत मैंने क्लिपिंग इसमें दिखाई थी, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे भी और जो टीचर्स हैं वहाँ के भी. तो ऐसे तो प्रोफेशनल लेवल पे जिसको सीखना है तो बहुत ही अच्छी है वो एकेडमी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है एटलीस्ट घर पे पहले एक बार देख लें युवान को इंटरेस्ट है कि नहीं उस चीज़ में. अगर इंटरेस्ट आया तो फिर भाई बिगनिंग का यहाँ करके फिर हम 2-3 महीने बाद जितना टाइम लगता है उन्होंने तो युवान का देखेंगे हम लोग नीचे जाके क्या है, बारिश में कैसे कितने क्लासेज होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, फिर हम वहीं चले जाएंगे, है ना? हाँ, लेकिन अगर जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और जो यहाँ बोरीवली से मलाड या गोरेगांव से भी आप आ ही सकते हो, बस एकेडमी तो बहुत ही अच्छी है. सो जो गोरेगांव से जो रहेंगे तो इनका मलाड में भी है, ये ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल है मलाड में, वहाँ पे भी ये करते हैं. सो आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मतलब तब उनके लिए अच्छा जिनको प्रोफेशनल लेवल पर भी सीखना है और जो आसपास के हैं तब तो बेस्ट ऑप्शन है, जो वहाँ नज़दीक रहते हैं महावीर नगर में, तो फिर बहुत ही अच्छी क्लासेस है. हम लोग थोड़ा अभी सोच रहे हैं कि युवान को बिगनिंग का यहीं करा लेते हैं, फीस ऑलमोस्ट उतनी ही है, वहाँ 1500 ले रहे हैं, यहाँ मेरे बिल्डिंग में भी 1000 या 1200 रुपये ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं है फीस में भी. तो इसलिए हुआ कि चलो यहीं करा लेते हैं एंड देन मे बी मैं अगर युवान को अच्छा लग गया और अच्छा और उसको मन किया कि हाँ आगे भी करें हम, तो हम वहाँ पर स्विच करेंगे. तो चलिए फिर, यही है था आज का व्लॉग, यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो. और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा. बाय बाय, गुड नाइट.